सत श्रीकाल जी सारे नूं, मैं तुहाडा अपना सिमरनजीत सिंह और अज असीं गल करन लगे हां मणिपुर दे दंगियां बारे। मणिपुर च पिछले 3 महीनों तो दंगे चल रहे हैं, औरतों दीयां इज्जतां लुटियां जा रही ने, हजारों घर तबाह हो चुके हैं, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मंदिर, चर्च तक भी बख्शे नहीं गए। हालात इत्थे तक माड़े ने कि 180 बंदे अपनी जान गवा चुके हैं, 60,000 बंदा डिस्प्लेस हो चुका है, तो 12,000 लोग ऑलरेडी स्टेट को छड़ के आले दुआले के स्टेटा च माइग्रेट हो चुके हैं। सरकार के हथियारों के खजाने भी लुटे जा चुके हैं और रेप के केसिस आए दिन मणिपुर तो सामने आ रहे हैं। की है सारे मसले की जड़ ते क्यों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हाथ खड़े कर चुकी है ते क्यों मणिपुर जल रहा है। इस सारे मसले को समझने लिए सानू थोड़ा पिछे जाना पवेगा। मैं आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे विच 14 साल गुजार चुका है ते काफ़ी तरह के कल्चर एंड ट्रेडिशंस तो वाकफ भी हाँ। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दे विच 8 स्टेट्स ने ते सब तो ज़्यादा इग्नोर्ड रीजन भी है जो कि एक बहुत ही यूनीक हिस्ट्री भी रखती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया नू छड़ के सारे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाइयों से बिजी ने, पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे विच इन्ना लड़ाइयों के नाल नाल ट्राइब्स की भी जंगा अलग ही चलदियां रहिंदियां ने। नॉर्थ ईस्ट दे विच 200 तो वध ट्राइब्स ने, तो मैनू याद है जदों असीं 50 बच्चे की क्लास दे विच पढ़दे सीगे, 50 बच्चों विच्चों कई बच्चे एक दूजे नूं देखना भी पसंद नहीं करते सी। तो तुहानूं की लगता है 200 जिहड़े कबीले ने कि ये आपस में रल मिल के रहिंदे होणगे? और सिर्फ मणिपुर की जे असीं गल करिए उहदे विच 34 ट्राइब्स ने। जिवें असीं जानते हैं ट्राइब्स हमेशा रिसोर्सिस की भाल दे विच ट्रैवल करते रहिंदे सीगे, जिहदे करके ये सारे ट्राइब्स किते ना किते कई स्टेटा दे विच थोड़ी परसेंटेज च मिलते हैं। और इन्हां विचों कई ट्राइब्स शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस रखते हैं जिहदे नाल इन्हां नूं गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स, लैंड एंड पोलीटिकल रैप्रजेंटेशन दे विच रिजर्वड कोटा भी मिलता है। ये शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस ही एक्चुअल से यह दंगे का कारण भी बन चुका है। साड़ी यह कोशिश है कि देश विदेश के कई इंपोर्टेंट मुद्दों को तुहाडे सामने सिंपल भाषा के पेश किया जा सके, ताकि साड़ी कम्यूनिटी ने होर एरियाज के वधिया नॉलेज ते एक वधिया सेहत भी मिल सके। साड़ी इस कोशिश के साथ पाने लई तुसीं लाइक, शेयर, सबसक्राइब करके साडा मनोबल भी वधा सकते हो। जिवें कि तुसीं इस मैप च देख सकते हो, मणिपुर चारों डायरेक्शन तो घिरिया होया है, असाम, मिजोरम, नागालैंड ते म्यांमार। म्यांमार जो कि एक अलग देश है, तो कई सालों तो म्यांमार ते मणिपुर दे विच जंगा छिड़दियां रही ने। जदों मणिपुर म्यांमार ते कब्जा कर लैंदा है, मणिपुर की कई ट्राइब्स म्यांमार च जाके शिफ्ट हो जांदियां ने, और इसे तरह ही जदों म्यांमार वापस मणिपुर ते कब्जा कर लैंदा है, म्यांमार की कई ट्राइब्स इत्थे माइग्रेट हो जांदियां ने, जिहदे करके ये सारियां सिमिलर ट्राइब्स दोवें एरियाज च देखण नूं मिलदियां ने। मणिपुर च वैसे तो 34 ट्राइब्स ने, जे असीं नूं ब्रॉडली क्लासीफाई करना चाहिए इन्हूं 3 ट्राइब्स च क्लासीफाई किया जा सकता है। सब तो पहली है मेईती कम्यूनिटी, जो पुराने राजे महाराजा के टाइम तो मणिपुर च रह रहे हैं और ये मणिपुर के नेटिव लोग ने। ये जी मेईती कम्यूनिटी है मेईती भाषा ही बोलते हैं, आम भाषा से असं कई बार मणिपुरी भाषा ही बोल देंगे, और ये मेईती भाषा इंडिया की ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस के एक है। दूजी ट्राइब आती है कुकी ट्राइब, इकली एक ट्राइब नहीं है, ये होर कई तरीके के ट्राइब्स है, तुम अपनी स्क्रीन से देख रहे होवोगे। असल च कुकी नाम बंगालिया ने इन्हों का पाया था, जेडे इस रीजन च रेंदे सीगे उन्होंने कुकी कहा जाता था, तो इन्हों की ज़्यादातर एंसेस्ट्री म्यांमार तो बिलोंग करती है। और तुम देख सकते हो किवें म्यांमार के नेड़े हिस्सों के कुकी ट्राइब्स की वसो ज़्यादा पाई जाती है। और तीजी ट्राइब है नागा ट्राइब, मणिपुर का जो एक हिस्सा है नागालैंड के नाल टच करता है, जिहदे करके नागालैंड तो भी कई ट्राइब्स इतने माइग्रेट हुई सीगियां, और इन्हों की पहचान इन्हों के कान च पाए हुए कुंडल तो होंगी है। नागा ट्राइब भी एक ट्राइब नहीं है, यह भी कुकी ट्राइब वांगू इन विच कई तरह के कबीले रहिंदे ने। हुण सब तो वड्डी प्रॉब्लम इत्थे इह आउंदी है कि जिन्नियां भी ट्राइब्स ने इन्हां दी अपनी ही अलग तो आर्मी भी है, और यह कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं है, पर ये ट्राइब्स की अपनी एक इंसरजेंसी ग्रुप्स बनाई हुई ने। जदों भी इन्हां ते मुसीबत पैंदी है, आपस च इन्हां ने लड़ना भी होवे, ये सारी आर्मी एक दूजे दे नाल लड़दी रहिंदी है, और जिहदे करके इन्हां दे दंगे बाकी स्टेटां नालों बड़े ही अलग होंदे ने। हुण समझदे हां ये सारा कुछ किवें अज्ज दे दंगे नाल रिलेट करदा है। इस सारे दंगे दे विच दो ट्राइब्स का बड़ा वड्डा रोल है, मेनली मेईती ते कुकी ट्राइब, और इन्हां दोवां नूं ये लगता है कि ये एक दूजे की एग्जिस्टेंस नूं खतरे च पा देंगे, उस तरह ही जिवें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इस देश दे विच खतरे च ने। वाह मोदी जी वाह। जिवें मैं तुहानूं वीडियो की स्टार्टिंग दस्या सी, मेईती ट्राइब मणिपुर की नेटिव ट्राइब है, और इन्हां नूं मणिपुर का शुरू तो प्लेन इलाका मिलिया जो कि 10% एरिया है, बाकी का 90% एरिया हिली एरिया है, जिहदे विच होर 34 तरह के ट्राइब इहदे विच रहिंदे ने। इन्हां नूं होर भी कई प्रिविलेजेस जिवें गवर्नमेंट जॉब्स, पुलिस आर्मी दे विच पोलीटिकल रैप्रजेंटेशन भी काफ़ी मिलती रही है एज कंपेयर टू कुकी ते होर दूजियां ट्राइब्स। मेईती ट्राइब मेजोरिटी दे विच हिंदुइज्म नूं फॉलो करते हैं, पर इन्हां विच मेईती पंगल जो कि मेईती मुसलमान भी होंदे ने,
इन दोवों कंबाइन करके मेती ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन 64.6% है मणिपुर के, और इन्हों की मजोरिटी होने करके बाकी ट्राइब्स से हमेशा भारी पेंदे रहे हैं। मेती ट्राइब का यह कहना है कि अपने ही स्टेट के 10% एरिया सिमट के रह चुके हैं, क्योंकि बाकी का जो 90% हिली एरिया आ सारा रिजर्व एरिया आ। मेती कम्यूनिटी, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब नहीं मने जाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हिली एरिया दे विच अपनी जमीन नहीं खरीद सकते हैं, और इतने ही प्रॉब्लम जनरेट होती है। मिती कहती है कि साढ़े एनसैसट्रल लैंड से ही साडा हक इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हों नहीं दिता है, और इन्हों यही डर सता है कि यह किमें अपने ट्रेडिशंस के कल्चर को अलाइव रखेंगे आने वाले समय के। जबकि कुकी ट्राइब की पॉपुलेशन अबनॉर्मली मणिपुर के ग्रो कर रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि काफ़ी वही तादाद के इलीगल इमीग्रेसन म्यांमार तो कुकी ट्राइब की मणिपुर के हो रही है। मिती ट्राइब काफ़ी लंबे समय तो इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट पा रही है कि इन्हों भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिता जाए, ताकि ये प्रिजर्व एरिया दे विच भी जमीन खरीद सकन ते अपने कल्चर एंड ट्रेडिशन प्रिजर्व रख सकन। पर दूजे पासे कुकी ट्राइब का यह कहना है कि मिती शुरू तो ही बहुत प्रिविलेज ते एडवांस कम्यूनिटी रही है, तो इन्हों की पोलीटिकल रिप्रजेंटेन भी सब तो ज़्यादा है, और इन्हों अगर शड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है तो रिजर्व गवर्नमेंट जॉब भी मिती कम्यूनिटी लै जाएगी, तो हौली हौली इन्हों की होंद भी खत्म हो सकती है, क्योंकि इन्हों की ट्राइबल लैंड मिती भी खरीद सकेंगे। वैसे तो यह ट्राइब्स की लड़ाई 150-200 साल पुरानी है, पर टाइम को कंसिडर करते हुए असं 2015 तो शुरू करते हैं। 2015 मणिपुर च मिती कम्यूनिटी की सरकार आती है, तो इन्होंने 3 लॉज पास भी किए जिदे नाल मिती बाकी के 90% एरिया जमीन खरीद सकनगियां, जिदे पिछे बाकी दे ट्राइबल ग्रुप्स अपनी सिटीजनशिप ते लैंड एक्विजिशन नू लैके बहुत इनसिक्योर फील करन लग जांदियां ने, ते उन्हां नू एह वी लग्गिया कि मिती दी सरकार जानबूझ के मिती कम्यूनिटी नू फेवर कर रही है, जिस करके मुद्दा काफ़ी ज़्यादा भड़किया। ते 2017 दे विच फैडरल गवर्नमेंट किसी तरह विच पै के इन्हां कबीलिया दे लीडर्स दा एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। 2022 दे विच बीरेन सिंह की सरकार आती है, जो कि आप भी मिती कम्यूनिटी नू बिलोंग करते हैं, और यह सरकार कुकी ट्राइब के 5 पिंडां नू नोटिस भेजती है, तो कहती है कि यह प्रिजर्व लैंड है अंडर इंडियन फॉरेस्ट लॉ, तो कुकी ट्राइब ने इलीगली ये कब्जा किया हुआ है, जिदे चलते फोर्सफुली काफ़ी एरिया खाली भी कराए जाते हैं, जिदे करके कुकी ट्राइब एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करती है। पर उस टाइम सरकार क्रिमिनल कोड की 144 सैक्शन लगा के इस प्रोटेस्ट को बंद करा देती है। 144 सैक्शन जो भी लगती है उसके विच 3 तो ज़्यादा बंदे असेंबल नहीं हो सकते, तो किसी भी हालत प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो सकता था। स्टेट गवर्नमेंट का यह कहना है कि यह प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कुकी ट्राइब इन एरिया दे विच अफीम की खेती कर रही थी, जिदे करके क्राइम बहुत ज़्यादा मणिपुर से वध रहा है। मिती कम्यूनिटी काफ़ी सालों तो रिक्वेस्ट कर रही है हाई कोर्ट में कि इन्हों के शड्यूल ट्राइब का स्टेटस में अपरूव किया जाए, और जिमें ही 14 अप्रैल में मणिपुर के हाई कोर्ट तो एक ऑर्डर आता है, जो कि मिती कम्यूनिटी के फेवर दे विच आंदा है, और इस ऑर्डर के मुताबिक हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट नू इस सारा शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस का मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट नू रेकमेंड करन नू कहती है। जिदा ही ये न्यूज़ बाहर फैल जाती है, कुकी ट्राइब ये डिसाइड करती है कि उन्होंने 16 विचों 10 जिलों के अपना पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च करना है, और यही खबर सुन के मिती ट्राइब भी काउंटर प्रोटेस्ट मार्च शुरू कर देती है, और दोवें कम्यूनिटीज़ के विच बहुत वड्डा टकराव शुरू हो जाता है, जो कि यह सारे दंगिया की जड़ है, और हौली हौली ये ट्राइब्स की लड़ाई हिंदू ते क्रिश्चन की लड़ाई बन जाती है, क्योंकि मिती कम्यूनिटी ज़्यादातर हिंदुइज्म नू फॉलो करती है, तो कुकी ट्राइब क्रिश्चियनिटी नू फॉलो करती है, जिदे करके मिती कम्यूनिटी इंडिया के बाकी BJP लीडर्स नू अप्रोच करती है, तो हेल्प भी मांगती है। हालात इन्ने ज़्यादा माड़े हो जाते हैं कि ये दोनों कम्यूनिटीज़ एक दूजे का बहुत ज़्यादा भारी नुकसान करना शुरू कर देंगे ने, क्योंकि इन्हों की अपनी आर्मी भी इन्वॉल्व हो जाती है, और सब तो माड़ी गल ये होंगी है कि दोवें ट्राइब्स की औरतों नाल बदसलूकी शुरू हो जाती है। जिमें कि तुसी एक वायरल वीडियो चे देखिया होगा किमें दो कुकी औरतों नू बिना कपड़े तो परेड भी कराई गई थी, जिदे पिछे सारे देश दे विच हंगामा हो गया था। ये गल हो रही है कि मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर तो बाद सुप्रीम कोर्ट के जजस ने मणिपुर हाई कोर्ट के जज नू झाड़ भी लगाई, पर हालात इन्ने आपे तो बाहर हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो बाद भी ये दंगे नहीं रुकते हैं। जदों देश दे विच इन्ना कुछ चल रहा थी, साड़ी इंडियन मीडिया कुछ इस तरह मनोरंजन कर रही थी साड़ी पब्लिक का। पाकिस्तान से बिना वीजा भारत आई सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। कैसे एक भारतीय गाने पर कमर मटकाते हुए नजर आ रही है, अरे आपने नहीं पहचाना क्या, ये सचिन की सीमा है। इस तो 2 हफ्ते बाद सेंटर की सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के नाल रल के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाल नाल कुकी ट्राइब ते मेती ट्राइब के कुछ डेलीगेशन्स नू भी इनविटेशन दिता, ताकि मीटिंग करके इस चीज़ का हल कढ़िया जा सके, पर दोवें ही कुकी ते मेती ट्राइब के डेलीगेशन्स इस मीटिंग च नहीं आते हैं, जिदे करके मीटिंग नाकामयाब रहती है। इंडियन आर्मी अपनी कोशिशा करती रहती है कि किसी तरीके डिस्प्लेस्ड हुए लोगों को दोबारा अपनी कम्यूनिटी के विच वाड़िया जा सके, क्योंकि दंगिया के समय
मीती ट्राइब के कई लोग कुकी एरियाज़ भज गए थे तो कुकी ट्राइब के भी कई लोग मीती एरियाज़ भज गए थे। आर्मी काफ़ी कोशिशा करके इन्हें डिसप्लेस्ड लोगों को दोबारा उन्होंने कम्यूनिटीज़ से पहुँचा रही है और इस प्रोजेक्ट के चलते आर्मी ने 12 मीती मिलीटेंट्स को फड़िया भी सगा। पर हैरानी की गल है कि 1500 मीती औरत आर्मी को मजबूर कर देती है प्रोटेस्ट द्वारा तो उन्होंने ये 12 मिलीटेंट्स को वापस मीती कम्यूनिटी के वाल छड़ना पैंदा है। और इस सारे इंसीडेंट तो 2.5 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ते हैं तो इस इशू पर कमेंट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं सारे मणिपुर के इंसीडेंट को कंट्रोल करने के लिए और चाहता तो यही मणिपुर के सीएम को रिजाइन कर देना चाहिए सगा पर यह रिजाइन करते भी फेल हो जाते हैं। ये जो रिजाइन कर जाते हैं कुछ औरत इन्हों तो रेजिग्नेशन पेपर खो लेंदियां ने रेजिग्नेशन पेपर फाड़ देंदी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह चाहिए सगा कि करंट सीएम को रिप्लेस करके कोई लैस पोलराइजिंग बंदा इतने प्लेस कर देना चाहिए जिदे नाल तनाव होर कट सकता सगा होर हूँ तक इतने प्रेसीडेंट रूल लग जाना चाहिए पर शायद अगले साल के इलेक्शन जो आ रहे हैं और दोवें ट्राइब्स ने नाराज नहीं करना चाहते हैं इस करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक पासे की गल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जे मेती कम्यूनिटी की साइड लेंदे ने ते कुकी ट्राइब ते नागा ट्राइब के वोट हो जाते हैं और अगर एक कुकी ट्राइब या नागा ट्राइब की गल करते हैं तो मीती कम्यूनिटी तो भारी वोट्स का नुकसान हो सकता है। पर जबकि पिछले टर्म च मीती एंड कुकी ट्राइब ने दोवां ने ही भारी वोट्स दी सी बीजेपी को उन्होंने प्रोमिस करके 2.5 महीने के अनरेस्ट तो बाद भी हले भी बहुत सारी बॉडीज अनकलेम्ड ते अनआइडेंटिफाइड पईआं ने ते सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सिस ते सिविल ऑर्गेनाइजेशनस नू अगे आ के इन्हां बॉडीज़ की एक्सचेंज शुरू कर देनी चाहिए है क्योंकि आर्मी ने ऑलरेडी दोवें ट्राइब्स दे विच एक बफर जोन क्रिएट कर दिता है जिदे करके ये दोवें ट्राइब एक दूजे के एरिए ते नहीं जा सकते हैं। पर 50,000 लोग जब डिसप्लेस हुए थे काफ़ी डेड बॉडीज़ भी वो डिसप्लेस हुई हैं तो सारे मणिपुर से डेड बॉडीज़ फैलिया पई हैं। होपफुली दोवें ट्राइब्स अपने प्यारियों के आखिरी दर्शन कर सकन तो उन्होंने फाइनल राइट्स पूरे कर सकन। और इस सारे इंसीडेंट के करेक्टिव एक्शन ये भी हो सकते हैं जो भी इदा के कुछ प्रोटेस्ट शुरू होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को यही चाहिए वध तो वध सिक्योरिटी फोर्सेस असाइन कीतिया जान ताकि इदा के प्रोटेस्ट दंगिया दे विच कन्वर्ट ना हो सकन। और अगर फ्यूचर से सेंट्रल गवर्नमेंट को यह मौका मिलता है दोवें ट्राइब्स के नाल इन्हों अलग मीटिंग्स करनिया चाहिए ने ते एक फाइन लाइन लभन की कोशिश करनी चाहिए जिदे विच दोवें ट्राइब्स खुश हो सकन। और एहोजी मीटिंग्स दे विच दोवें कम्यूनिटीज़ वालों कुछ एहोजे लोग भी सिलेक्ट किए जाने चाहिए ने जिहड़े पढ़े लिखे होने के नाल नाल लैस पोलराइजिंग थॉट्स भी रखते होर तो होर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोल्ड एक्शनस लेने पैणगे इन्हों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्होंने सरकार के हथियारखाने खाली करन ते इन्हों ट्राइब्स की मदद भी की ने क्योंकि ये दंगे होर भड़काए गए थे तो होर जानी तो माली नुकसान वध गया सीगा। ये बहुत ही दुख ते हैरानी की गल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हले भी एक न्यूट्रल स्टैंस लै रही है इस सारे मणिपुर के मामले के जिस इंसीडेंट करके मणिपुर के लोगों का इन्ना भारी नुकसान हो चुका है औरतों की इज्जत लुटिया गई ने कई लोग मर चुके हैं तो कई घर तबाह हो चुके हैं। असं उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट कुछ बोल्ड स्टैप्स लेगी जिदे नाल सारी सिचुएशन कंट्रोल च आ सकेगी। असं तुहानू सारे नू बहुत एप्रीशिएट करना चाहते हैं कि तुसी इन्ने इंपोर्टेंट मुद्दे उत्ते वीडियो देखने लई तुसी इन्ना टाइम कढ़िया। असं उम्मीद करते हैं तुहानू वीडियो पसंद आई होगी तुसी कमेंट्स राही सानू जरूर दस सकते हो तुहाडा इस वीडियो बारे की ख्याल है तो आने वाले समय के किवें दी होर वीडियोस देखना चाहोगे। इस तरह ही साडे नाल जुड़े रहो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वेखन लई बहुत बहुत धन्यवाद।